हमारे यहाँ जब कोई लड़की बदनाम होती है ना, तो उसे सबसे पहले वो मर्द छोड़कर जाता है जो मोहब्बत के दावे करता है। हैरत हो रही है मुझे बस। किस बात पर? बहुत सारी बातों पे। मतलब जिन माँ बाप ने खुद तुम दोनों की मंगनी करवाई और खुद ही इस रिश्ते को तोड़ना चाह रहे, वो भी इतनी बेदर्दी के साथ। मतलब उन्हें अपने बच्चों की खुशी प्यारी नहीं है, सिर्फ हमारे घरों के मर्द को और किसी को नहीं। खैर एक बात पूछूं? पूछूं। मैं जब तुम्हारी टैक्सी में आके बैठी, तुमने फौरन मुझे पहचान लिया, कैसे? मेरे वीलॉग्स की वजह से या मेरी उस वीडियो की वजह से? छोड़ो ना यार, कोई और बात करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये तुम्हारा आशिक क्यों गायब हो गया? समझ गई। क्या मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं है? मतलब मैं ये मेकअप, फैशन इन सब में पढ़कर अपना दिमाग नहीं खराब कर सकती, लेकिन हाँ जब वो वीडियो वायरल हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं देखूं तो सही लड़की कौन है जिसके पीछे सोशल मीडिया पड़ा है। तो फिर चेक किया? हाँ चेक किया, और फिर एक एक करके सारी वीडियोस देख ली। हसीन तो तुम हो ही, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज्यादा तुम किस्मत की धनी। वो कैसे? हमारे यहाँ जब कोई लड़की बदनाम होती है ना, तो उसे सबसे पहले वो मर्द छोड़ कर जाता है जो मोहब्बत के दावे करता है। और तुम्हारे सीन में तुम्हारे वाला तो प्रेजेंट टाइम का रांझा है रांझा, सर पे कफन बांधे कैसे तुम्हें भगा के लेके जा रहा है। I'm blessed. हाँ माशाल्लाह, अल्लाह आगे भी ऐसी ब्लेस्ड रहे। हाँ।